अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान स्क्वाड में ताबड़तोड़ तब्दीलियां कर दी गई हैं। और दोस्तों आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते चलें कि किन खिलाड़ियों को चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने स्क्वाड से बाहर कर दिया है और किन खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल कर दिया है। तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो में हम बताते चलें। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी करने से पाकिस्तान स्क्वाड मजबूत हो सकती है, तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोस्तों, अगर बात करते चलें कि कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं, तो पाकिस्तान स्क्वाड में तकरीबन एक से दो तब्दीलियां की जाने वाली हैं आज के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो वार्म अप मैच आज खेला जाना है। तो नाजरीन आपको बताते चलें कि हो सकता है मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाए हसन अली की जगह पर, और हसन अली को पाकिस्तान स्क्वाड से बाहर किया जाने का बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या होने वाला है आगे और कौन से 11 ख़तरनाक खिलाड़ी स्टेडियम में उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ आज वाले मैच में, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है पाकिस्तान स्क्वाड में एक तब्दीली होने जा रही है।